जब राजा राम मोहन राय ने अपने घर और समाज के सराउंडिंग वो चीज देखा, और आज मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपने घर और समाज के पास बच्चों को देखा, तो मुझे तो फील होगा मैंने वो चीज वहां देखा, उन्होंने वो चीज वहां देखा। ये हमेशा एक कड़ी का काम करता है सरकार का और समुदाय के बीच में। जो आप फंसी भी बात कहते हैं, ब्रिज का काम जो है, एक ब्रिज का काम करता है। एनजीओ ब्रिज है सरकार की स्कीम्स का और समुदाय के बीच में, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसको बताता है, अवेयर करता है कि आपके लिए ये चीज है। बहुत सारी ऐसी चीज सरकार चलाती है, योजनाएं जो सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाती, या कुछ ऐसी एनजीओ को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया गया है इस बारे में ग्राउंड लेवल पे। इंडिपेंडेंट के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत जगहों पे विद सपोर्ट ऑफ द एनजीओ प्रोग्राम में भी है, सरकार के हर प्रोग्राम्स में है। 70s के बाद यही चेंज आया कि फिर विनोबा भावे रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने 70s के बाद, क्योंकि सरकार इतना इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी ग्राउंड लेवल पे चीजें, तो उन्होंने एक रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किया कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, हम उसमें पार्शली कहीं से कंट्रीब्यूशन लेंगे, पार्शली खुद से करेंगे और थोड़ा सा बिजनेस वगैरह भी देखेंगे, राइट। तो वो आज के टाइम पे कितना इवॉल्व हो गया बिजनेस का एस्पेक्ट, मतलब कितना आ रहा है? नहीं, बहुत चेंज आ रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का हम लोग के सामने एक एग्जांपल दिया जाता है, लिजित पापा जी। लिजित पापा वो उस ग्रुप का कौन सा है, कुछ महिलाओं का विकास कैसे हो या हम सब मिलकर अपने समाज का विकास कैसे करें, उसके लिए वो ग्रुप बनाया गया। और आप कपाट नवाड सरकार की कई एनजीओ, बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, सरकार के कई प्लानिंग कमीशन की कमिटियां बैठती है, उन सब चीज़ों पर करती है। सरकार का करोड़ों रुपया जाता है इनके सपोर्ट्स में, फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनको देती है, बैंक से लोन भी देती है, करते हैं। अब वो कितने हद तक हम उसको क्रियान्वित कर पाए, कौन से लोग हैं जो कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो नहीं कर रहे, सरकार के नजरों में सब चीज़ें रहती हैं, देखते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी स्कीम है, आज भी वो चल रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं जिससे कि महिलाओं का विकास हुआ है। बहुत सारे ऐसे आपको महिला एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी जिन महिलाओं ने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपने आप को खड़ा किया था और वो आ जाए। फॉरेन डोनेशंस की अगर बात करें इस केस में, जैसे आई थिंक 2006 तक फॉरेन डोनेशंस का ओपननेस था काफ़ी हद तक, आई थिंक 800 मिलियन के अराउंड कॉन्ट्रीब्यूशन आता था एनुअल, या उससे ज़्यादा हो सकता है, नॉट श्योर ऑफ फिगर, मुझे फिगर का पता नहीं। बट उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट के अंदर आ गई सारी स्कीम, उन्होंने आउटसाइड कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल मिनिमल कर दिया। तो आज के टाइम पे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इंडिया में? ये एग्जैक्ट तो मैं बट है कुछ परसेंटेज उसमें इसका, तो अगर आपको डाटाज है या कुछ ऐसे साइट्स पे देखना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइट्स पे आपको दिख जाएगा सारी चीजें। लेकिन आप जो है स्टिक किया गया, आपको अपनी हर चीजों पर ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आप क्या कर रहे हैं वो शेयर करना है, कहाँ से आया है पैसा वो शेयर करना है। तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छी चीज़ है। पर एनजीओस पे इतना स्ट्रिक्ट टैक्स नॉर्म्स रखना लेजिटिमेट है, क्योंकि कई बार कई चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसके लिए आपके पास फंडिंग नहीं है, बट आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है ग्राउंड लेवल पे, तो मे बी आप थोड़ा सा कहीं से इधर उधर कर लें। आपकी गलती, वो एनजीओस की गलती हो सकती है। अगर मैंने आपने मुझे डोनेशन दिए हैं कि इस पैसे से आप इस बच्चे को स्कूल एडमिशन करा जी, अब मुझे लग रहा है कि नहीं मैं फुटबॉल खरीदू, तो फुटबॉल भी खरीदना मेरा गैर कानूनी रहा, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट से या जिस सोच से आपने मुझे पैसा दिया और उस बच्चे का भी मैं भला नहीं कर पाया, तो वो डिसीजन लेने के समय वो अच्छी बात है कि जब आज फुटबॉल के लिए किसी और से बात की जाएगी कोई और देगा, लेकिन उस बच्चे को चाहे स्कूल भेजना है दिया देना चाहिए, वो एक अच्छी चीज़ है। और पहले भी थी ये, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सारी चीजें पहले भी थी जी। पहले क्या था कि हम उसको जल्दी से एडॉप्ट नहीं कर पाते, यानी इससे थोड़ी इधर चले आ ठीक है कल कर लेंगे परसों करना। आज की डेट पे फाइन बहुत ज्यादा है, नियम कायदे सख्ती से लागू कर रहे हैं, हर चीज किसी न किसी चीज से लिंक है, तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के हित में तो अच्छी चीजें हैं, होनी चाहिए। बट समवेयर एनजीओस को एज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग द मार्केट का जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी एक तरह से कभी कभी पॉइंट आउट किया जाता है, यस उस तरह से देखा जाता है। इसका कोई आइडिया नहीं है, मैंने अभी तक नहीं है। नहीं मतलब नहीं, मैं एक्चुअली एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक जो वो जनाब थे उन्होंने खुद ही इस बारे में बोला। लोगों की धारणाएं बनी हुई है जी,
हो सकता है कि सरकार के पास कुछ ऐसी एनजीओज हो या लोगों ने ऐसा कहा हो या कुछ ऐसी एनजीओज होंगे, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, मुझे 15-16 साल काम करते हुए हो गया, लेकिन मैं ही नहीं और भी साथी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क है, मैं खुद बोलूँ तो मैं 100 एनजीओज को जानता हूँ, मैं 100 में से सभी वैसे ही दिखते हैं मुझे तो, सब एक जैसे काम कर रहे होते हैं, सब एक जैसे प्लान हो रहा होता है, मंथली प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंट करते हैं, चीजें चली जाती हैं। जो लोग मेरे साथ तब काम कर रहे थे वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कहाँ है, और अगर है भी तो मैंने आज तक देखा।